नमस्कार, जय गैलवे, जय भारत। मैं कुश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के जबरदस्त और पावरफुल सेशन में। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, उन सभी अचीवर्स को जिन्होंने प्रमोशन लिया, क्वालिफिकेशन लिया। आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ के साथ इस महीने में होली महापर्व की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रमोशन और क्वालिफिकेशन की तो बधाई है आप लोगों को, लेकिन जब जिम्मेदारी मिलती है, प्रमोशन होने का मतलब है एक जिम्मेदारी मिली है आपको, तो फिर करना क्या चाहिए? जिन लोगों की वजह से आपका प्रमोशन हुआ, आपकी डाउनलाइन में जितने लोगों का प्रमोशन हुआ, आप लोगों को उनको सम्मान देने के लिए रिचार्ज, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विनर्स डे जरूर से जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, और ये शुरुआत के एक दो दिन में ही करना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने कुछ हासिल किया है उनको सम्मानित करें आप अलग अलग जगहों के ऊपर। तो सबसे पहले विनर्स डे आप जरूर सेलिब्रेट करें। साथ के साथ अभी हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट को बेच के अपना नेक्स्ट लेवल का अचीवमेंट किया है, महत्वपूर्ण है। उस अगले लेवल की जिम्मेदारियां, जवाबदेही उनको सिखाना, समझाना और बताना, तो ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है लीडर्स। इसीलिए अभी शुरुआत के समय में उनको एजुकेशन देना, एक एक विषय की जानकारी देना, अपने नए लेवल की जिम्मेदारियों को समझाना, सभी प्रोडक्ट की डिटेल में जानकारी देना, ताकि गैलवे में वह अपना फ्यूचर देख सके। तो ये सर्वप्रथम हमें महीने के शुरुआत में करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जिनकी वजह से आप सबका प्रमोशन हुआ है, जिनकी वजह से लोग हमें मान और सम्मान देते हैं, यानी हमारी डाउनलाइन, महीने की शुरुआत में तीसरा कदम हमें उन सभी के साथ इस महीने का टारगेट प्रमोशन और क्वालिफिकेशन हमें तय करना चाहिए, यही शुरुआत के 2 दिनों के अंतर्गत। तो सबसे पहले विनर्स डे सेलिब्रेशन, दूसरा एजुकेशन पे ध्यान, और तीसरा टारगेट प्रमोशन और क्वालिफिकेशन का। ऑफ कोर्स ये सब चीजें आप करते हैं और करना जरूरी भी है, और आपको करना भी चाहिए गैल्वियंस। अब बात आती है कि ये सब चीज करने से क्या होगा। हर चीज में मैं आपको बताता हूं, आप जो करेंगे ना हमारे बिजनेस में वह डुप्लीकेट होगा। हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो गैल्वियंस आप जो करेंगे आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट करेगी, इसलिए हर चीज आपको समय पर करना है ताकि डाउनलाइन उसको डुप्लीकेट करे। डुप्लीकेशन हर जगह पर है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो 100% डुप्लीकेशन के आधार पर चीजें बेहतर होती हैं गैल्वियंस। यहां मैं आपको कहना चाहूंगा, गैल्वे बिजनेस में कामयाबी का एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला? जो कि कहता है इस बिजनेस में या तो डाउनलाइन की प्रमोशन दिलाओ या अपलाइन की प्रमोशन दिलाओ, आप कामयाब हो जाएंगे। यानी कि आपको अपने प्रमोशन की कभी चिंता नहीं करनी है, आपको अपने या तो डाउनलाइन की प्रमोशन दिलानी है या अपलाइन की। यह बिजनेस दूसरों को बनाने का बिजनेस है गैल्वियंस। आप पूरे हृदय से अपनी डाउनलाइन को प्रमोशन दिलाएंगे, आपके हृदय में रहेगा कि मेरी 6 और 8 लाइनें हैं, उनको आप जीडीडी बना दो, परमात्मा से आपने प्रार्थना किया वो जीडीडी बनेंगे, आप उससे आगे लेवल पर जाओगे। आपने प्रार्थना किया कि मेरी अपलाइन को जीडीडी बना दो, वो कब बनेंगे जीडीडी? जब आप बनेंगे एलडीडी। तो हर हालत में ये कल्चर नेटवर्क में होना चाहिए कि मुझे अपलाइन को बनाना है या फिर डाउनलाइन को बनाना है, क्योंकि ये कल्चर भी डुप्लीकेट होता है। और हमारा बिजनेस पूरी तरह से कल्चर का बिजनेस है, और कल्चर को डुप्लीकेट करने का बिजनेस है गैल्वियंस। तो याद रखिए, महीने की शुरुआत में ऑफ कोर्स आपका टारगेट तो पूरा होगा ही होगा,
लेकिन अपलाइन और डाउनलाइन को बनाने का लक्ष्य हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जैसी आप सोच दोगे, जैसे काम करने का तरीका डाउनलाइन को सिखाओगे, वैसा ही वो डुप्लीकेट होगा और वो करेंगे। तो गैलियंस, ये कुछ बातें थी जिस पर आपको ध्यान देना है। अब मैं इसके साथ अब आपके सामने लॉन्च करने जा रहा हूं मार्च 2023 महीने का ऑफर। ऑफर में आखिरी तक बने रहिएगा, आखिरी में बड़ा एक्साइटिंग जबरदस्त शानदार ऑफर इस महीने कंपनी लेकर आई है। तो आखिरी तक बने रहिएगा और पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के साथ। ये पहले ही पिछले महीने आपके साथ ये ऑफर लॉन्च किया गया था, उसकी कॉन्टिन्यूटी पूरी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये 4 महीने का प्लेटून का कॉन्टेस्ट है, 4 महीने के लिए ऑफर है लीडर्स, 4 मंथ का ये ऑफर है। मैंने शुरू में आपको कहा ये बिजनेस या तो बनाने का है अपलाइन को या डाउनलाइन को, तो ये ऑफर भी कुछ उसी तरीके से है। ऐसे सभी डिस्ट्रीब्यूटर जिनका लेवल 1 फरवरी 2023 को ईडी या उससे ऊपर था, वह इस कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। यानी कि ये आपकी अपलाइंस के लिए ऑफर है गैलियंस, यानी यहां पर बात हो रही है आपको अपलाइन को बनाने की। तो यहां पर वो है क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, बहुत इजी है। 4 महीने फरवरी मार्च अप्रैल मई में 26 मई तक अपने प्लेटून में, प्लेटून क्या होता है, प्लेटून जो आप या तो फ्रेश लाइन अपनी खोलते हैं या सीडी और पीडी बीडी, ये जो आपकी लाइन है वो फ्रेश होती है उसको प्लेटून कहते हैं। उन सब लोगों के साथ मिलकर 15 नए आरसीडी की आपको टीम कुछ इस प्रकार बनानी है। इस प्रकार का मतलब है कि हमारा बिजनेस में लगातार ग्रोथ करेंगे तो नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनता है। 1 से 24 फरवरी के बीच में 2 आरसीडी बनाना था, वही ये जो मार्च का महीना है 1 से 26 फरवरी के बीच में कम से कम 3 फ्रेश आरसीडी बनाने, अधिक जितना चाहे आप बना सकते हैं। वही 1 से 26 अप्रैल के बीच में आपको 4 आरसीडी बनाने हैं, वही 1 से 26 मई के बीच में 6 फ्रेश आरसीडी बनाने हैं। यानी आप देखा जाए तो 26 मई तक आपको 15 फ्रेश डायरेक्ट आरसीडी की टीम बनानी है लीडर्स। ये आपने तैयारी किया, इसको थोड़ा सा आगे मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूं। ये देख लीजिए जो मैंने आपको पीछे बताया था, क्राइटेरिया 1 के अंतर्गत फरवरी में 2, मार्च में 3, अप्रैल में 4 कम से कम और मई में 6 नए आरसीडी बनाने हैं, टोटल 15, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा, 24 जून 2023 तक ये जितने भी आपने 15 आरसीडी कम से कम बनाए, इससे ज्यादा भी आप बना सकते हैं लेकिन क्राइटेरिया 15 का है कम से कम, अगर आपने 15 भी बनाए तो उनमें से कम 12 लोगों को फरवरी मार्च अप्रैल मई में जो आरसीडी बने उनको एलसीसी में क्वालिफाई करवाना है। कैसे, आगे पता चलेगा आपको। तीसरा क्राइटेरिया है, सबसे पहले 24 तारीख से पहले आपको अपनी एलसीसी लगानी है, हर महीने फरवरी में मार्च में अप्रैल में मई में जून में, ये तीनों चीजें आप करते हैं तो इस कॉन्टेस्ट में बनते हैं। न्यू आरसीडी जो बनाएंगे उसकी 26 तारीख आखिरी डेट है इस ऑफर के लिए, वैसे तो आप बना सकते हैं, वही एलसीसी क्वालिफाई कराने के लिए 24 तारीख आखिरी महीना। ये देखिए कमाल की चीज आई आपके लिए, यदि फरवरी में आपने 1 आरसीडी बनाया, सिर्फ क्राइटेरिया कितना था, 2 बनाने का था, लेकिन किसी ने 1 बनाया वो रेस से बाहर हो गया, लेकिन कंपनी ने मार्च महीने में आपको मौका दे दिया है। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को जिन्होंने कम से कम अगर नया 1 आरसीडी बनाया था, 2 नहीं बना पाए थे तो वो रेस से एक्चुअली तो बाहर हो गए थे, लेकिन अब करना क्या है आपको, इस महीने वैसे तो 3 फ्रेश आरसीडी बनाने थे, 1 और बना लेंगे तो आप 4 नए फ्रेश आरसीडी बनाकर इस रेस में शामिल हो सकते हैं। जो फरवरी महीने में आपके साथ कुछ लोग जुड़े होंगे जो आरसीडी नहीं बने हैं, आप उनको भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, फरवरी में अगर आपने 1 बनाया था तो मार्च में
वैसे तो तीन का क्राइटेरिया है, प्लस वन भी कर लेंगे तो आप इस ऑफर में शामिल हो जाएंगे। यस, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें एक मौका और ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। बाकी दूसरा और तीसरा क्राइटेरिया जो है, जो 15 है उनमें से 12 को क्वालिफाई कराना है, लेकिन इसमें नोट है, फरवरी में जिन 1 पर्सन को आपने आरसीडी बनाया है, इस मार्च के महीने में उनसे एलसीसी लगवाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। बाकी आपका खुद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने में एलसीसी क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। आरसीडी बनने की आखिरी डेट इस ऑफर के लिए 26 तारीख है और एलसीसी के लिए आप सब जानते हैं 24 तारीख है। मैं तो कहूंगा एलसीसी जब लगाना ही है, अभी इंसेंटिव अकाउंट में आया ही है, मैं सभी अपलाइन और डाउनलाइन को कहूंगा आज ही एलसीसी की खरीदारी करें, आप आज ही अपना एलसीसी लगाएं, अधिक से अधिक प्रयास करें, अधिकतम हर महीने की शुरुआत की 5 तारीख तक सभी का एलसीसी कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि महीने के आखिरी में ऑलरेडी हमारे अकाउंट में पैसा आया हुआ होता है, तो तुरंत सबसे पहले खरीदारी करें। फिर वही बात आती है, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन है यहां पर। आप यहां पर 24 से पहले एलसीसी कर रहे हैं, उसमें भी पहले सप्ताह में डाउनलाइन देख रहा है। एक आप बोलेंगे एलसीसी कर लो, एक दिखाओगे देखो भाई मैंने 3 तारीख को, 2 तारीख को मैंने अपना एलसीसी कर लिया है। आपको भी करना चाहिए, एक्शन हैव मोर साउंड देन स्पीकिंग। आप 26 तारीख तक इस ऑफर के अंतर्गत आते हैं, कहीं ना कहीं आपकी डाउनलाइन की मदद से डुप्लीकेशन कल को कोई भी ऑफर आएगा वो भी उसमें आएंगे। ये था लीडर्स की एलसीसी का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि मकसद है जितने लोग जुड़ रहे हैं वो इसका हिस्सा भी बने। मैंने आपको पहले बताया कम से कम इस महीने एक एलसीसी क्वालिफाई करवाना अनिवार्य है, ऐसे ही फरवरी मार्च में जितने लोग आरसीडी बने थे उनमें से जो ऑलरेडी मार्च में, तो आप ऑलरेडी जिसको एलसीसी लगा चुके हो उसको कंटिन्यू रखना है, एक बार जो एलसीसी में आ गया उसके अलावा 2 नए लोगों को इसके अंदर क्वालिफाई करवाना है, जिनकी ज्वाइनिंग फरवरी महीने में, मार्च महीने में होगी अप्रैल के लिए। इसी तरह से ये कंटिन्यू है, मई महीना आ गया तो जो व्यक्ति मार्च में, अप्रैल में एलसीसी लगा चुका है उसको तो आपको एलसीसी में बनाए ही रखना है। इसके अलावा अप्रैल महीने में जो लोग जुड़े थे उन लोगों को भी आपको एलसीसी में लेकर आना है, कम से कम 4 लोगों को, टोटल 7 एलसीसी लगानी है। इसी तरीके से सेम इसी पैटर्न पर जून का महीना, जो मार्च में, अप्रैल में, मई में जिन लोगों ने एलसीसी लगाया उनको कंटिन्यू रखना ही रखना है। उसके अलावा मई महीने में जितने लोगों को आपने एलसीसी लगवाया था, अलग से 5 नए लोगों को आपको एलसीसी लगवाना है, टोटल 12 एलसीसी। ये बढ़ते हुए क्रम में लीडर्स मिलने वाला क्या है, रिवाइज करवा देता हूं, जबरदस्त ऑसम गिफ्ट है। फरवरी से मई महीने तक कंपनी अपने टोटल बीवी टर्नओवर का 2% पूल में डालेगी। फिर क्या होगा, जितने क्वालिफायर्स अपने पॉइंट कमाएंगे और उसके पॉइंट वैल्यू के आधार पर इंसेंटिव मिलेगा, जिसका जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसका उतना ज्यादा पॉइंट मिलेगा। पॉइंट मिलने के भी बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से आप पॉइंट कमा सकते हैं। कैसे? आप जितना ज्यादा फ्रेश आरसीडी बनाएंगे आपको उतना पॉइंट मिलेगा। अगर आपने एक फ्रेश डायरेक्ट किया तो 100 पॉइंट, और उसके बाद आप जितने करेंगे उस पर 50, लेकिन अधिकतम आपको 600 पॉइंट मिल सकता है। तो प्रयास करें अधिकतम आप यहां पर 600 पॉइंट अर्न करने की। वहीं दूसरा है टीम से करवाने पर, क्राइटेरिया 15 का है तो 15 तो करना ही है मिनिमम इसमें बने रहने के लिए, तो 750 पॉइंट यानी प्रति एक आरसीडी पर 50 पॉइंट है, लेकिन एक्स्ट्रा जैसे करते हैं तो 100 पॉइंट मिलेगा। यानी हर महीने ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें आप, क्योंकि एक्स्ट्रा 100 पॉइंट है। वहीं एलसीसी, 12 एलसीसी करना तो मैंडेटरी है ऑफर में बने रहने के लिए, तो 1200 पॉइंट तो मिलेगा, लेकिन 12 के बाद जितने ज्यादा लोगों से आप एलसीसी करवाएंगे जो महीने के आखिरी तक पहुंचने वाले हैं, हर एलसीसी क्वालिफाई पर 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। जो ये नए जुड़े हैं, जो आप फ्रेश टीम बना रहे हैं उनकी बात हो रही है, ये उन लोगों में जितने ज्यादा लोगों को आप यहां पर पॉइंट्स दिलवाएं, एलसीसी लगवाएंगे, तो
तो ये ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कमाने का तरीका। और अवार्ड पहला पहला इसलिए लिखा है गैलियंस क्योंकि दूसरा भी है। यस, जो आप में से टॉप 10 लोग होंगे, 10 जिनके पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों को कंपनी 50-50 हजार रुपया इनाम के रूप में देगी, जो कि उनके बाइक फंड में दिया जाएगा, जिससे आप बाइक परचेज कर सकते हैं। पहले तो इंसेंटिव मिल रहा है, 50 हजार का मौका मिलेगा कैसे, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बनाने पर। तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बनाए। नियम और शर्तों की कुछ बातें हैं, सामान्य सी बात है। प्लेटून में जो पुराने आरसीडी बने हैं, क्योंकि ये फरवरी महीने से चलने वाला ऑफर था, केवल फरवरी महीने में आप आरसीडी बना सकते थे, लेकिन मार्च अप्रैल मई में केवल फ्रेश बनाना है। यानी कि 1 फरवरी के बाद जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, आप उन सभी को आरसीडी बनाएंगे तो वो आपके इसमें काउंट हो जाएंगे। प्लेटून की परिभाषा मैंने पहले आपको बता दी थी। 1 फरवरी 2023 में आपके नेटवर्क में जो डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल PD या उससे नीचे था, उस ऑफर के तहत आपका प्लेटून कहलाएगा। चाहे वो फरवरी महीने में ED बन जाए, SD बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 फरवरी को उसका लेवल PD या उससे नीचे था, तो वो पूरा काउंट किया जाएगा। इस कॉन्टेस्ट के लिए आपके प्लेटून को 1 फरवरी से, आपके टीम में कोई PD है, वो मैंने आगे जो बताया वो लिखा है, मार्च में ED बन जाता है, तो इस कॉन्टेस्ट के लिए वो पूरा प्लेटून ही माना जाएगा। न्यू RCD बनाने की आखिरी तारीख हर महीने की 24 है। और क्वालिफाई LCC की बात कही है मैंने आपको, सबसे पहले खुद कर लीजिए। 24 तो बहुत लंबा डेट है, 4 से 5 तारीख तक आप इसे जरूर कर ले, और बाकी इंसेंटिव बिजनेस प्लान के हिसाब से होगा। तो गैलवियंस, आपस में चैलेंज लो, आपस में टक्कर लो कि टॉप पॉइंट अर्नर हमारी अपलाइन बनेगी। अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दो और अपनी अपलाइन को यहां तक पहुंचाओ। ये ऑफर अपलाइन को बनाने का ऑफर है, लगकर अपलाइन के लिए काम करके अपलाइन को यहां तक पहुंचाना है। आगे चलते हैं इसके बाद। गैलवियंस, वाओ माय गैलवे होम। अब ये माय गैलवे होम क्या है? हम सारे गैलवियंस हैं, हम गैलवे के सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तो हम सही से इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो करना क्या है, किचन से संबंधित जो प्रोडक्ट है, जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं किचन में सजा के आप रखते हैं। जब आप तैयार होते हैं, तैयार होने के लिए आपके घर में बहुत सुंदर सी जगह है, जो ड्रेसिंग टेबल है, जहां पर गैलवे के बहुत सारे प्रोडक्ट आपकी आवश्यकता के हैं, चाहे वो तेल है या फिर क्रीम है, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट आपने अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ है। वही गैलवे का एक ड्रीम कॉर्नर है, सपनों का कॉर्नर। आपके घर में एक जगह होनी चाहिए जहां पर गैलवे के प्रोडक्ट सुंदर से सजे हुए हों, जहां पर कि उस पर आप लिखोगे गैलवे ड्रीम कॉर्नर। क्यों है ड्रीम कॉर्नर? क्योंकि गैलवे का यही कोना जो है आपके सपनों को पूरा करेगा। इन्हीं प्रोडक्ट के माध्यम से हम पूरा करने वाले हैं। वहीं आप सपने पूरे कौन से करना चाहते हैं, तो आपको अपने घर में लगाना है वॉल ऑफ ड्रीम, यानी सपनों की दीवार बनानी है आपको एक, जिस पर आप अपने सारे सपने लिखेंगे और वहां पर चिपकाएंगे कि आप जिंदगी गैलवे से चाहते क्या हैं। लीडर्स, एक बार आप उसे लिख लीजिए और अपनी मेहनत पे लग जाइए, देख के ताज्जुब हो जाएगा। समय देना पड़ेगा, लगभग सभी सपने आपके पूरे होंगे। वही जब आप इस तरह की सारी एक्टिविटी करते हैं, तो आपका घर हो जाता है माय गैलवे होम। तो इसमें करना क्या होता है, जब आप ऐसा कर रहे होते हैं, जब इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, तो आपको अपनी अपलाइन को अपने घर बुलाना होता है कि आइए सर, मेरा घर जो है वो गैलवे घर है। तो वो आपके घर पर आते हैं, आप अपने घर पर उनको सारी जगह दिखाते हैं। किचन में आपने प्रॉपर लिख रखा है गैलवे किचन, गैलवे ड्रेसिंग टेबल पे गैलवे ड्रेसिंग टेबल, गैलवे का ड्रीम कॉर्नर आपने एक जगह बनाया, वहां चिपका के रखा हुआ है, और अपने घर के बाहर माई गैलवे होम आपने लिखा। तो ये चीज क्या होगा, ये सब आप अपनी अपलाइन को अपने घर पर बुलाएंगे, आपकी अपलाइन आएंगे, तब आपने आपके घर को गैलवे होम अप्रूव करेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीजों से सपने पूरे होने वाले हैं।
और ये वो चीज है जो जनरली हम करते हैं, हमें करना भी चाहिए क्योंकि ये काम ऐसा करके ही हम आगे बढ़ेंगे। गैलवे ड्रीम कॉर्नर आपके घर पे रहेगा, कोई आएगा, अरे कौन से प्रोडक्ट है, हो गई आपकी अप्रोचिंग। कोई आपके किचन में आया, गैलवे का प्रोडक्ट सजा हुआ है, हो गई अप्रोचिंग, वो आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। ड्रेसिंग टेबल पर ये क्या सपनों की दीवार बनाई है आपने, कहना मैं एक बड़े अच्छे और शानदार बिजनेस में हूं जहां पर अपने सारे सपने पूरे करूंगा, मैं ये वो सपना लिख के रखा हूं। आपके कॉन्फिडेंस को देखकर वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा। तो अपनी अपलाइन को अपने घर पर बुलाकर ये सब चीजें आपको करनी है, ये सारे फोटोज क्लिक कराने हैं। फिर करना क्या, इसके ऊपर कंपनी एक ऑफर लेकर आई है। योग्य कौन है, वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो 28 फरवरी तक आरसीडी बन चुके हैं, इस ऑफर में भाग ले सकते हैं। यानी सभी आरसीडी जो 28 फरवरी तक बन चुके हो। क्राइटेरिया क्या है, याद रखिए, 1 मार्च से 24 मार्च, आखिरी डेट 24 है। माई गैलवे होम, माई गैलवे किचन, माई ड्रेसिंग टेबल, गैलवे ड्रीम कॉर्नर और वॉल ऑफ ड्रीम की फोटो आपको अपलोड करनी है। बड़ा सिंपल सा काम है, हर जगह के ऊपर प्रोडक्ट लगाकर वहां सब जगह पर फोटो क्लिक किया और अपलोड करना है। और दूसरा, आपको 24 तारीख से पहले अपना एलसीसी पूरा करना है, ये मैंडेटरी है। तो मिलेगा क्या, एश्योर्ड एश्योर्ड गिफ्ट मिलेगा, एक बहुत सुंदर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा डफल बैग, बिल्कुल फ्री अवार्ड के रूप में हर किसी को मिलेगा। ये बहुत बहुत बधाई, वाओ। लकी ड्रॉ के माध्यम से किसी एक भाग्यशाली विजेता को, क्योंकि ये वो काम है जो हमें वैसे भी करना चाहिए, मिलेगा लेनोवो का टैब। माय डियर फ्रेंड्स, आखिरी डेट याद रखिए कब है, इस महीने की 24 तारीख, अपलोड करने की, फोटो क्लिक करने की सब चीज। आगे आता है निर्देश, जीता हुआ गिफ्ट का वाउचर आपकी आईडी पर दे दिया जाएगा जिसे आप अगली परचेज में रिडीम करेंगे। यानी जैसे ही आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो वाउचर मिलेगा किसके तहत आप रिडीम करेंगे अगली परचेज में। दूसरा, सही ऑप्शन पर सही फोटो अपलोड करें। फोटो क्लिक तो कर दिया आपने, सही जगह अपलोड करें। जब आप अपलोड कर दोगे, अपलोड करते समय भी तीन तीन फोटो अपलोड करने का विकल्प आता है, तो आप एक जगह पर तीन तीन फोटो करें ताकि कंपनी चेक करेगी बेस्ट कौन सा है। कंपनी चेक करेगी, सही रहेगा सब चीज, अप्रूव करेगी, तब आपको, आप इस ऑफर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फोटो कहाँ और कैसे अपलोड करना है इसकी जानकारी आपको वीडियो बनाकर शेयर किया जाएगा जिसमें आप अच्छे से जानेंगे समझेंगे। जनरली बता दूं, एजुकेशन हब में जाकर आप ये चीज कर सकते हैं, गैलवे के एजुकेशन हब में जाके किया जाता है। बाकी प्रॉपर एक वीडियो बनेगी जिसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो गैलवियंस, माय गैलवे होम अवार्ड एक एक गैलवियंस को लेना चाहिए, एक एक गैलवियंस को दिलवाएं आप, अपनी एक एक डाउनलाइन को दिलवाएं, अपलाइन को अपने घर बुलाएं और फोटो क्लिक करवाएं आप यहां पर उनके साथ। 1 मिनट, थैंक यू। उनको और अपलोड करवाएं। तो गैल्वियंस, पहला ऑफर था अपलाइन को बनाने का ऑफर, और दूसरा, अपलाइन की जिम्मेदारी है एक एक डाउनलाइन का घर माय गैल्वे होम बने और उसको आप ये श्योर गिफ्ट दिलवाएं। गैल्वियंस, यह है गिफ्ट, आपको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में। यह ऑफर आपकी अपलाइन और डाउनलाइन को मजबूती देगा आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे बढ़ रहा हूं, और आखिरी में इतना ही कहूंगा, ये मेरा जो YouTube चैनल है इस पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बारी बारी जाकर सभी वीडियोस को जरूर देखें, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और आप में से जितने लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जितनी वीडियोस मेरी हो आप तक आ सके और वीडियोस अच्छी लगे, तो लाइक करके एक एक अपने टीम मेंबर तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय गैलवे, जय भारत।